विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर। फी गज सिर्फ 5,000 रूपए, नकद या आसान अकसात पर। नेटको फार्मा, पीएनजी, जॉनसन एंड जॉनसन, एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल कंपनीज के करीब, गेटेड कम्युनिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। फौरी मुलाकात करें विन सिटी डेवलपर्स। ऑफिस एड्रेस बिसाइड चॉइस फंक्शन हॉल। बीजेपी के मुअत्तल एमएलए राजा सिंह के खिलाफ पैगंबर इस्लाम के बारे में तबसरा करने पर 2 मजीद मुजरिमाना मुकदमा दर्ज किए गए हैं। एक चादरघाट और एक मलकपेट पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए हैं। हैदराबाद के सीनियर पुलिस अहदेदारों ने कहा है कि इम्कान है कि वो दिगर मुकदमात के तहत रुकन असम्बली को गिरफ्तार करेंगे। राजा सिंह के खिलाफ मुजाहरे मंगल की रात से जारी थे, जब इन्होंने अपने खिलाफ पहले दर्ज किए गए 2 मुकदमात में गिरफ्तारी के बाद जमानत हासिल कर ली थी। बदअमनी शुरू होने के बाद से अब तक 31 मुजाहरीन को हिफाजती तहवील में ले लिया गया है। राजा सिंह अपनी रिहाई के बाद ताहम खामोश है। इनके खिलाफ दबीरपुरा और अफजलगंज पुलिस स्टेशनों में भी मुकदमा दर्ज किए गए थे। साउथ जोन डीसीपी पी साई चैतन्या आईपीएस का कहना है कि कोई फतराव नहीं हुआ है, अगर ऐसा होता है तो कार्रवाई की जाएगी। हम मुसलसल चीजों की निगरानी कर रहे हैं। बीजेपी के मुअत्तल रहनुमा मलूर राजा सिंह के खिलाफ मुजाहरों पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुबैना तबसरा करने पर। पेश है AET तेलंगाना न्यूज से ये खसूसी रिपोर्ट।